प्रणाम स्टैंडर्ड थर्ड लेसन नंबर टू नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया वन नंबर नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग आप सब ने देखा होगा, कब देखते हो नेशनल फ्लैग का इम्पोर्टेंस कब होता है ज़्यादा, 15 अगस्त एंड 26 जनवरी पे आप सब जानते हो। स्कूल में इसके फंक्शन भी रखते हैं हम, ठीक है। वन नंबर नेशनल फ्लैग। आवर नेशनल फ्लैग हैज़ 3 हॉरिजॉन्टल बैंड्स। हमारे नेशनल फ्लैग में 3 हॉरिजॉन्टल बैंड्स होते हैं जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सैफ्रन, वाइट एंड ग्रीन। सैफ्रन यानी ऑरेंज कलर, वाइट यानी सफ़ेद कलर एंड ग्रीन यानी हरा कलर। द सैफ्रन बैंड इज एट द टॉप विल द ग्रीन वन इज एट द बॉटम। जो सैफ्रन कलर है वो हमें कहाँ दिख रहा है? टॉप पे यानी सबसे ऊपर, एंड ग्रीन कलर है वो हमें बॉटम में दिख रहा है यानी सबसे नीचे। द वाइट बैंड इज इन द मिडल एंड इन इट्स सेंटर इन द ब्लू अशोका चक्र। और जो वाइट कलर है वो बैंड में हमें मिडल में ब्लू कलर का क्या दिख रहा है? अशोका चक्र। ऑल द 3 बैंड्स आर ऑफ इक्वल विड्थ, एंड 3 कलर के जो बैंड्स हैं वो हमें इक्वल दिख रहे हैं। विड्थ मतलब पहुड़ाई में इक्वल दिख रहे हैं। द फ्लैग इज रेक्टेंगुलर इन शेप एंड इट्स लेंथ इज 1.5 टाइम इट्स ब्रेथ। और जो फ्लैग है हमारा वो हमें कौन से शेप्स में दिख रहा है? रेक्टेंगुलर। और चौड़ाई और पहुड़ाई भी कैसी है? सेम। टू नंबर नेशनल एम्बलम, यानी एम्बलम यानी प्रतीक। आवर नेशनल एम्बलम कंसिस्ट ऑफ 4 लायंस। हमारा जो नेशनल एम्बलम है वो 4 लायंस को अपने अंदर समाता है। कंसिस्ट मतलब समा लेता है। फेसिंग द 4 डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन हमें फेस दिख रहे हैं लायन के। बट ओनली 3 कैन बी सीन फ्रॉम द फ्रंट, बट हमें फ्रंट में 3 लायन के फेस हमें दिख रहे हैं, हम देख सकते हैं। द एम्बलम हैज़ बीन डिज़ाइन आफ्टर द अशोका पिल्लर एंड सारनाथ। और जो एम्बलम है वो किस तरह से डिज़ाइन किया गया है? अशोका पिल्लर यानी आधार स्तंभ एट सारनाथ। एट द बेस ऑफ द एम्बलम देयर इज अ व्हील विथ 24 स्पॉक्स। स्पॉक्स किसको बोलेंगे? हमें जो पिक्चर में व्हील दिख रहा है उसमें ऐसी डिज़ाइन करी हुई है जो उसको हम स्पॉक्स बोलेंगे। कितने स्पॉक्स है? 24। देर इज़ अ हॉर्स ऑन 1 साइड। वो व्हील के 1 साइड क्या दिख रहा है हमें? हॉर्स। 1 साइड एट अ बुलॉक एंड 1 साइड हमें बुलॉक दिख रहा है। ऑन द अदर साइड ऑफ द व्हील एंड अदर साइड क्या दिख रहा है हमें? व्हील। और नेशनल मोटो, मोटो मतलब सूत्र। हमारा नेशनल मोटो है सत्यमेव जयते, हमेशा सच का ही जीत होती है। ब्रैकेट में क्या लिखा है? ट्रूथ एलोन ट्रायम्फ्स। इज रिटन इन देवनागरी एट द बेस ऑफ द एम्बलम, इट इज़ द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया। और ये जो नेशनल एम्बलम है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? देवनागरी लैंग्वेज में। आई होप यू अंडरस्टैंड। 3 नंबर नेशनल एंथम। जनगण मन इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। जनगण मन है वो हमारे देश की नेशनल एंथम है। इट इज़ कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। नेशनल एंथम को किसने कंपोज्ड किया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। 4 नंबर नेशनल सॉन्ग। वंदे मातरम इज अवर नेशनल सॉन्ग। वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है। इट इज़ कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। नेशनल सॉन्ग को किसने कंपोज्ड किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी। 5 नंबर नेशनल एनिमल। टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल, आप सब जानते ही होंगे। 6 नंबर नेशनल फ्लावर। लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर। 7 नेशनल बर्ड। पिकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। एक्सरसाइज देखेंगे। मैच द कॉलम ए एंड बी बाय राइटिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कॉलम बी इन द कॉलम ए। कॉलम ए में हमें क्वेश्चन दिख रहे हैं,
नाउ मिडल में हमें आंसर लिखना है एंड कॉलम बी में से राइट आंसर चूज करके हमें आंसर लिखना है। वन नंबर नेशनल बर्ड, तो हमारा नेशनल बर्ड है पिकॉक। नेशनल एनिमल टाइगर। थ्री नंबर नेशनल एंथम जन गण मन। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड। लेसन नंबर थ्री, सम हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। पिक्चर ऑफ सम फेमस हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स ऑफ अवर कंट्री आर गिवन बिलो। अंडर इच पिक्चर राइट द नेम ऑफ द मोन्यूमेंट। चूज योर आंसर फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। हमें पिंक कलर का जो बॉक्स दिख रहा है उसमें से राइट आंसर चूज करके हमें ब्लैंक के सामने लिखना है। ध्यान से पिक्चर देखना है और ओनली इसके नाम हमें रिमेम्बर करने हैं, यानी याद करने हैं। ये सब इम्पोर्टेंट है। जीके किसको बोलते हैं? जनरल नॉलेज। मतलब जनरल नॉलेज हमें होना चाहिए, सब ज्ञान हमको होना चाहिए, ठीक है। वन नंबर का पिक्चर आप शायद गए भी होंगे वहाँ पर घूमने के लिए। कौन सा पिक्चर है ये? ताजमहल। ताजमहल जो अकबर ने अपनी बेगम की याद में बनवाया था। टी ए जे ताज, एम ए एच ए एल महल, ताज महल। सेकेंड हवा महल, एच ए डब्ल्यू ए एम ए एच ए एल हवा महल। थ्री नंबर गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारा, ये कहाँ पर आया है? अमृतसर, जहाँ पर पंजाबी लोग जाते हैं। जी ओ एल डी ई एन गोल्डन, टी ई एम पी एल ई टेम्पल गोल्डन टेम्पल। फोर नंबर गेटवे ऑफ इंडिया, जी ए टी ई डब्ल्यू ए वाई गेटवे, ओ एफ ऑफ आई एन डी आई ए इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया। फाइव नंबर मीनाक्षी टेम्पल, एम डबल ई एन ए के एस एच आई मीनाक्षी टी ई एम पी एल ई टेम्पल। ये इंट्रिकेट डोर पैनल्स ऑफ सिद्धि सैयद, ये लाल दरवाज़ा आई हुई है, शायद आप लोगों ने देखी होगी। आई एन टी आर आई सी के सी ए टी ई इंट्रिकेट डी डबल ओ आर डोर पी ए एन ई एल एस पैनल्स ओ एफ ऑफ एस आई डबल डी आई सी डी डैश एस ए आई डबल वाई ए डी सैयद इंट्रिकेट डोर्स पैनल्स ऑफ सिद्धि सैयद। सेवन नंबर कुतुब मीनार, क्यू यू टी यू बी कुतुब एम आई एन ए आर मीनार कुतुब मीनार। एट नंबर जे ए एन टी ए आर जंतर डैश एम ए एन टी ए आर मंत्र जंतर मंत्र। ओनली पिक्चर देख के हमें इसके नेम ही रिमेम्बर करने हैं। नाइन नंबर के ए वी ई एस केव्स ओ एफ ऑफ ए जे ए एन टी ए अजंता केव्स ऑफ अजंता बाई लोटस टेम्पल बी ए एच ए आई बाई एल ओ टी यू एस लोटस टी ई एम पी एल ई टेम्पल। इलेवन सी एच ए आर चार एम आई एन ए आर मीनार चार मीनार। ट्वेल्व हैंगिंग मिनरेट्स एच ए एन जी आई एन जी हैंगिंग एम आई एन ए आर ई टी एस मिनरेट हैंगिंग मिनरेट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ जून सिलेबस इज कम्प्लीट। प्रणाम। थैंक यू।